ओके तो गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और उठे हुए 1 घंटा हो चुका है, चाय वाय सब पी ली गई है। मैंने सोचा आज व्लॉग किया जाए क्योंकि घर में पड़े हैं तो कुछ तो काम किया जाए, और चलिए शुरू करते हैं। ओके तो हम हो गए हैं मुँह हाथ धो के रेडी। नहा में थोड़ा टाइम है क्योंकि घर में काम चल रहा है तो सुबह सुबह नहीं नहाया जाता है। हमारी माता श्री के हिसाब से हमारे बाल बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं जो कि मुझे लग नहीं रहा, बट मम्मी के अनुसार हम इधर से गंजा हो रहा है। कल तेल की मालिश करी है तगड़ी वाली मम्मी जी ने, वो ना काला जादू करके तेल बनाया था, उसमें वो प्याज का लहसुन वहसुन पता नहीं क्या क्या डाला था, तो छिलका उलका डाल उल के पता नहीं क्या तेल बनाया था। स्मेल तो ठीक थी और अच्छा भी लग रहा था। अभी रात में जब मालिश करी गई थी तो हम तुरंत सो गए, तो रात का खाना नहीं खा पाए थे क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि अगर मेरे खोपड़िया में कोई हाथ फेर देता है ऐसा ऐसा करके तो मेरे को तुरंत नींद आ जाती है। इट्स लाइक माई स्विच ऑफ स्विच, हाँ कह सकते हैं। तो अभी चलते हैं नीचे, ठीक है, और खाना पीना कुछ देखते हैं। अभी ये चलते हैं, बाय। जटावा छोरे से भगवान जी बियर्ड दिला दे, और बियर्ड नहीं आ रही है। चलो बाय बाय। मेरे चश्मे थोड़े से ब्लैक हो रहे हैं, नज़रअंदाज कीजिएगा क्योंकि बाहर से आए हुए भी और ये यूवी वाले हैं। तो मेरी मेरी सुबह की मील थोड़ा लेट हो गया, 15-20 मिनट। ये है चिकन, मजाक करो, ये है बॉइल्ड सोया चंक्स विद सॉल्ट, अ लिटिल बिट ऑफ पाउडर्ड चिली पाउडर, हाँ, और केचप थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं। ओके तो अनलाइक अदर्स मैं प्रिविलेज हूँ क्योंकि मेरे पास में ये दो बड़े बड़े मोटे मोटे गाल हैं जिनको मैं खाना स्टोर कर सकता हूँ खाते वक्त, मच लाइक स्क्विरल्स और ग्राउंड हॉग्स। सो या मोर म्यूटेटेड इवोल्यूट फॉर्म ऑफ ह्यूमन, आई एम होमो सेपियन सेपियन सेपियन। अभी बज रहे 10:45, 2 बजे के अराउंड में अगली मील है, शायद वो भी डिले हो सकती है थोड़ी सी क्योंकि मैंने अभी डिले कर दिया तो मुझे उसमें भी डिले करना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं पढ़ने के बाद में, अभी इतनी गंदी हैंडराइटिंग के साथ में पढ़ाई हो रही है। चलिए मिलते हैं, बाय। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, रोज डेली मैं एक एप्पल खा लेता हूँ। घर वालों पर पैसा बहुत है खर्च करने के लिए तो मेरे पे करते रहता है। खत्म करते हैं इस एप्पल को, बाय। मेरा 2 बजे वाला मील जो कि मैं अभी खा रहा हूँ 3:30 बजे। मैं इसके साथ में यूजुअली वो लहसुन और लाल मिर्च की चटनी खाता हूँ, लाइक उसका पेस्ट लगा करके चटनी को एज अ सॉस यूज़ करके मैं खाता हूँ इसके साथ में, बट मैं पास अभी वो नहीं है तो हम इस धनिया की चटनी से काम चलाएंगे जो कि एक्चुअली मेहंदी टाइप लग रहा है, बट लेट्स गो विद इट, चलता है खाते हैं। ओके तो मेरे दिन की 4 मील्स रहती हैं, अगर एप्पल को ऐड कर लेंगे तो 5 हो जाती हैं। आज थोड़ा सा बिजी डे था तो आज शायद 3 ही हो पाएंगे क्योंकि मेरे को अभी इस खाने को खाते खाते ही 4 बज चुके हैं और फिर अगले 4 घंटे के अंदर अंदर मेरा डिनर आ जाएगा जिसमें मेरे को हैवी खाना है,
बाय द वे आजकल मैं इसलिए ज़्यादा काउंट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा लिटरली बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट हो रहा है। मैं डाइट को अपनी हैवी ही रख रहा हूँ, मैं उसको लो नहीं कर रहा, बस उसके अंदर थोड़ा सा प्रोटीन ज़्यादा ऐड कर दिया मैंने, फैट्स कॉन्स्टेंट हैं, कार्ब्स कम कर दिए हैं और और क्योंकि मैं पढ़ता भी ज़्यादा हूँ तो मैं चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीता हूँ कि राइट नाउ मैं दिन की दो चाय दो कॉफ़ी, हाँ एक सुबह चाय होती थी एक शाम को चाय हो जाती है, एक दिन में कॉफ़ी और एक रात को सोने से पहले कॉफ़ी। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको मुझे कम करना है। अच्छी क्या होता है पता चलेगा। फिलहाल के लिए हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं, चलिए बाय। यो यो यो, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं जस्ट अभी अभी हटाऊं अपनी किताबें रख के ना सही और अब मेरा चाय का समय हो चुका है 6 बजे का, और तो ये 5 बजे की चाय है, यू नो आज सब कुछ लेट हो रहा है तो 6 बजे चाय हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मैं ओके सो आफ्टर चाय मैं अभी 7 बजे तक पढ़ूंगा। सो आज के लिए इतना बहुत है। अभी बज रहे हैं 7:45। मैं बाहर टहलने नहीं गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ही प्रदूषण हो रखा है। कल सब ठीक था, कल पटाखे इतने लोगों ने नहीं फोड़ रखे, आज पता नहीं लोगों को क्या हो गया, सब पटाखे फोड़ रहे हैं। तो आज हम भी एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं। अच्छी वेल बाय द वे दिस इज मी बिफोर वर्कआउट हाफ वे इन हाथ उठा जा रहा है, सॉरी। आई हेट इट व्हेन द स्वेट कम्स इनटू योर आईज, इसीलिए हेडबैंड बहुत सही रहते हैं, बंडानाज और हेडबैंड्स। अभी हाफ वे इन नहीं, थर्ड फोर्थ पार्ट इन, एक्चुअली हाफ वे तो हो चुका है कब का, अब बचे हैं 4 आर्म्स बस। ओह फक, आई फील लाइक वोमिटिंग। चलिए कंटिन्यू करते हैं, ख़त्म करते हैं आज के वर्कआउट सेशन को। ओके लेट मी सेटल द कैमरा, नाइस। सो दिस इज मी आफ्टर वर्कआउट, लाइट चेंज करिए ताकि दिक्कत थोड़ा सा पसीना आए। yes. पूरे दिन एक ही जगह पे बैठे रहने की वजह से, मेरी बॉडी में मूवमेंट ना होने की वजह से मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। सो आई स्टार्टेड वर्कआउट, स्टार्टिंग में मिक्स करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे चेंज किया डे बाय डे, फिर मैं वापस ड्रॉप हुआ एक हफ्ते का, बीच में बीमार पड़ा था, और उसके बाद में फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी मिक्स ही रखता हूँ, फिर अगले महीने से जब जिम स्टार्ट करूँगा तब मैं कंटिन्यू करूँगा डे वाइज, अपना शेड्यूल बनाऊँगा। और अभी आप देख सकते हैं मेरे हाथ कहाँ पर हैं, तो दिस इज़ मी आफ्टर वर्कआउट। मैं उतनी अच्छी बॉडी वूडी बनी नहीं है जो कि मैं दिखाऊं, लाइक आई कैन जस्ट डू दिस दिस एंड यू कैन जस्ट टेक अजम्पशन कि वर्कआउट कैसा था। चलिए चलते हैं अभी के लिए, अब रात में मम्मी डांटेंगी मेरे को क्योंकि मैंने ज़्यादा लेट कर दिया। उनके हिसाब से मुझे खाना जल्दी खा लेना चाहिए क्योंकि सोने से पहले 1 घंटे पहले खाना खाना चाहिए उनके अनुसार। चलते हैं नीचे और फिर अच्छा खासा वर्कआउट हो गया यार आज। अंडा उग रहा है, अंडा उग रहा है, अंडा उग रहा है, यस यस यस। चलो चलते हैं, बाय, पीस आउट। मुंह धो लिया जा, पसीना पसीना हो रखा है। मजा आइला के नहीं आइला आइला मजा आइला।
तेरे नाम भेजू, राम बाबा का लग रहा है देंगे ही खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक रेगुलर ब्लॉग के साथ इफ पॉसिबल, क्योंकि अब तो सब कुछ डिसिप्लिन हो रहा था, ब्लॉग भी डिसिप्लिन तरीके से आनी चाहिए। ओके चलो बाय, मैं यहाँ तक करवाए।